उनके अंग वैदूर मुक्ता एवं मणियों से विभूषित थे। उनकी भुजाओं में चांदी के बाजूबंद बंधे हुए थे और उन्होंने अपने हाथ में पाश ले रखा था। इस प्रकार वे तेजस्वी देवता वरुण उन महान असुरों के विनाश के लिए सम्रांगण की ओर प्रायश्चित हुए। उस समय जल के अधिष्ठाता देवता उनका अनुसरण करते थे, जल में उत्पन्न होने वाले उनका अभिषेक कर रहे थे। महर्षियों के समुदाय उनके गुण गा रहे थे और बड़े बड़े भुजंग उनकी पूजा में लगे थे। समुद्र के स्वामी तथा अमृत पान करने वाले महात्मा वरुण कैलाश शिखर के समान गौरव वर्ण के थे। उनकी शक्ति अप्रेम थी। उनके पुत्र और बड़े बड़े नाग उनकी भली भांत रक्षा करते थे। वह सूर्य के समान तेजस्वी रथ से चले, चंद्रमा के समान अत्यंत कांतिमान और उदार हृदय वाले महान भाव वरुण जब युद्ध के लिए जा रहे थे, उस समय आकाश में समस्त प्राणी पुलकित शरीर से हाथ जोड़कर उनकी ओर देख रहे थे। धाता आर्यमा अंश भग विभिषवान परिजन मित्र चंद्र देव त्वष्टा तेजस्वी विश्वकर्मा पूषा तथा साक्षात देवराज इंद्र, ये सभी देवता आकाश में अक्षय घोड़ों से जुते हुए रथों पर आरूढ़ थे। वह सभी घोड़े हृदय को आच्छादित करने वाले कोचों से युक्त थे। उनके गले में वैदूर मणि के पदक और सोने के हार शोभा पाते थे। वह अश्वध्वज की छोटी छोटी घटिकाओं से युक्त थे। उन सबका रंग वही था जो इंद्र के रथ में जुते हुए घोड़ों का था। इंद्र के रथ में हरे रंग के घोड़े जुते हुए थे। कुछ देवता सूर्यमंडल के समान, कोई अग्नि के ज्वाला के समान, कोई चंद्रमा की किरणों के सादृश्य, कुछ देवता विद्युत की प्रभा के समान, कुछ नील वर्ण के मेघों के सादृश्य और कोई काले लोहे के समान, महान प्रभा पुंज से युक्त तथा उत्तम किरणों से उद्भासित दिव्य कवच धारण किए हुए थे, जिन्हें साक्षात विश्वकर्मा ने बनाया था, जिनमें सुवर्ण में पुष्प गूंथे गए थे। ऐसी मालाएं पहनकर जल और वायु के समान तीव्र वेग वाले देवता रणभूमि की ओर बढ़े जा रहे थे। रूप में सबसे उत्तम तथा धर्मात्मा में श्रेष्ठ दोनों अश्विनी कुमार महानुभाव विष्ण जटित रथ पर आरूढ़ हो रणभूमि में गए। उन दोनों के शरीर की कांत सुवर्ण के तुल्य थी। मनु के पुत्र तथा समस्त वसु देवता जो उत्कट बलशाली और हाथों में उत्तम अस्त्र धारण करने वाले थे, बड़े बड़े रथों और हाथियों पर आरूढ़ हो दैत्यों का वध करने के लिए चले। अरुण और धूम के समान वर्ण वाले समस्त रुद्रगण जो महाबली सर्व गुण संपन्न तथा देदीप्तमान शरीर वाले थे तथा अपनी प्रभाओं से प्रज्वलित से हो रहे थे, श्वेत वर्ण वाले विशाल वृषभों द्वारा युद्ध भूमि में गए। नाना प्रकार के आयुधों से युक्त हाथी वाली भुजाओं से वे समस्त लोगों को दग्ध करते हुए से जान पड़ते थे। सुवर्ण में कवच बांधकर सेना को साथ लिए जब वे आगे बढ़े, उस समय बिजलियों से युक्त मेघों के समान शोभा पाने लगे। सूर्य की किरणों के समान कांतिमान उत्तम बलशाली तथा तपस्या से तेज प्रकाशित होने वाले विशेष देवगण भी सेना साथ लेकर युद्ध के लिए चले। शत्रुओं के लिए उनके वेग को रोकना कठिन था। वह उत्कृष्ट बलशाली तथा सहस्त्र कमलों की मालाओं से अलंकृत थे। सोने के समान कांति वाले तथा वैदूर मुक्ता और मणियों की लड़ियों से विचित्र शोभा पाने वाले भली भांत जुते हुए रथों द्वारा वह सब लोग समर भूमि में गए। वह नाना प्रकार की आकृतियों से युक्त थे। उनके ऊपर सुवर्ण निर्मित मनोहर विचित्र अत्यंत निर्मल तेजस्वी और सब ओर घूमने वाले श्वेत छत्र तने हुए थे, जिनके कारण वे सब लोग प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। कवच ध्वज और
घुंघरुओं से युक्त वायु के समान वेगशाली घोड़ों तथा कैलाश शिखर के समान उज्जवल विशालकाय एवं महाबली दिग्गजों द्वारा वे यात्रा कर रहे थे। उनके हाथों में भयंकर धनुष थे जिनसे वह युगांत काल में प्रज्वलित होने वाली उल्काओं के समान प्रतीत होते थे। महान प्रभावशाली साध देवता सारी सेना को अपने अधीन करके युद्ध के लिए ले जा रहे थे। उनके मुख दिव्य दीप्ति से उद्दीप्त हो रहे थे। उन्होंने अपने अंगों को जांबू नद के आभूषणों से विभूषित कर रखा था। उनके साथ गंगा के जल प्रवाह और आकाश के समान अनंत एवं असंख्य सैनिक थे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ वे महाबली साधगण अपने तेज से समस्त दिशाओं और विदिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनके 8 भुजाएं थी जो श्रेष्ठ एवं पुष्ट थी। उन्हें अपने बल पर गर्व था। वे अग्नि एवं सूर्य के समान प्रभावशाली थे। ब्रह्म देवता पुरुष उन्हें नमस्कार करते थे। इंद्र सहित संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते थे तथा दैत्येश्वरों का वध करने के लिए जाते हुए उन साधगणों के पीछे गंधर्वों के समुदाय चलते थे। वह दूर हीरे और एस्पाटिक मणि से जटित होने के कारण विचित्र शोभा पाने वाले ध्वजों और सुवर्णमय आभूषणों से जिनकी सुंदर शोभा होती थी वह उत्कृष्ट आभूषण पहने हुए थे तथा दैत्यों के विनाश के लिए ही जिन्होंने अपने को विभूषित किया था उन साध देवताओं का रूप वो अद्भुत शोभा पा रहा था। युद्ध के लिए उत्कट प्रतीत होने वाली अपने शरीर की प्रभा अंधकार को दूर करने वाली कोचों की प्रभा ध्वज से उत्पन्न होने वाली आभा तथा अपने वाण समूहों से उदत हुई प्राचुर्य प्रभा इन सबके योग से प्रकाशित होने वाली परम उज्जवल महाप्रभाओं से वह साध गणों सहित श्रेष्ठ देवता बड़ी शोभा पा रहे थे। वह महाबली देवता अपने विशाल रथों पर बैठकर शंख ध्वनि और सिंह नाद करते हुए शत्रु सेना की ओर बढ़ने लगे। उनके हाथों में बड़े बड़े अस्त्र थे। उनकी काया भयंकर थी। वह देवता उन महादैत्यों का संहार करने के लिए चल दिए। इसी प्रकार अत्यंत पराक्रमी और उत्कट बलशाली समस्त मृदुगण जो महान मेघ के समान श्याम वर्ण वाले तथा चक्रधारी थे मेघ की भांत गर्जना करते हुए विजय का दृढ़ विश्वास लिए समर भूमि की ओर चले। वह इंद्र के ध्वज स्वरूप एरावत के समान महान बलवान थे। युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे। उनके सारे अंग लाल चंदन से चर्चित तथा सोने के हार और दिव्य वस्त्रों से विभूषित थे। उन्होंने समस्त असुरों का संहार करने वाली गदा लेकर युद्ध के लिए यात्रा की थी। वे सब के सब युद्ध में कुशल थे। उनमें बाहुबल और अस्त्र बल की पूर्णता थी। वह उत्कट बलशाली थे। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। वह देवता सुवर्ण तथा कमलों की माला धारण करके इच्छा अनुसार नाना प्रकार के रूप धारण किए देवराज इंद्र को चारों ओर से घेर कर रणभूमि की ओर जा रहे थे। उनके कंधे और पीठ खंगों की प्रभा से सांवले दिखाई देते थे। शत्रुओं का वेग सहन करने में समर्थ वह देवता अपनी अंगों में वैदूर और सुवर्ण से जटित होने के कारण मनोहर रूप वाले परम कांतिमान कवचों को जो दैत्यों के अस्त्रों का निवारण करने वाले थे बांधकर युद्ध के लिए जा रहे थे। सोने की वेदिकाओं से युक्त और सूर्य की किरणों के समान कांतिमान ऊंचे उठे हुए श्रेष्ठ ध्वजों की उपलक्षित होने वाली देवताओं की तरह भयंकर सेना युद्ध के लिए जोर जोर से सिंह नाद करती हुई जा रही थी। इस प्रकार उन आसुरेश्वरों के वध के लिए युद्ध स्थल की ओर प्रस्थित हुए विजयशाली देवेश्वर इंद्र की सेना बड़ी प्रभावशालिनी थी जिसका इस रूप में वर्णन किया गया है।
इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार विषयक 52वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राम। 53वां अध्याय देवताओं और असुरों का द्वंद्व युद्ध, भीषण उत्पात ब्रह्मा जी तथा सनका आदि योगेश्वरों का युद्ध देखने के लिए आगमन। वैश्यापन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, तदनंतर देवताओं और असुरों का युद्ध आरंभ हुआ। देवताओं और दैत्यों से व्याप्त होने के कारण उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी, जैसे प्रलय काल में चारों दिशाओं के महासागर अपनी सीमा को लांघकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। उसी प्रकार देवता और दैत्य उस युद्ध में एक दूसरे से मिश्रित हो गए। वह महाबली योद्धा बड़े बड़े धनुष ताने हुए युद्ध के लिए उत्सुक हो रहे थे। उनके अंग नाना प्रकार के आयुधों से की प्रभा से प्रकाशित होते थे। उनकी भुजाएं हाथियों की सूंड के समान मोटी थी। उन पर विजय पाना बहुत ही कठिन था और उनका सिंहनाद मेघों की गंभीर गर्जना के समान जान पड़ता था। वह सहसा धनुष की ठंकार करने लगते थे तथा सूर्य के समान तेजस्वी चक्र, भयंकर आसनी खंग तथा ब्रजमुखी शक्तियों का लगातार प्रहार करते थे। रणभूमि में खड़े हुए सैकड़ों सूर्यवीर सुवर्ण पत्र से मढ़ी हुई विशाल गदाओं, लोहे के बने हुए धनुषों, मृदरों, चमकीले त्रिशूलों तथा वृक्षों को हाथ में लेकर वहां गर्जना करते थे। इसी बीच में एक दूसरे पर चोट करते हुए उन सैनिकों में से देवताओं का दानवों के साथ द्वंद्व युद्ध होने लगा। मृद्रणों में से जो पांचवे थे और जिनको लोग महाबली सुरश्रेष्ठ सावित्री के नाम से जानते थे, वह वाणासुर के साथ युद्ध करने लगे। दनायुषा का पुत्र अत्यंत भयंकर महान असुर बल उस रणभूमि में ध्रुव नामक वसु के साथ युद्ध करने लगा। असुरों में श्रेष्ठ नमुचीधर नामक वसु के साथ जूझने लगा, जो दोनों श्रेष्ठ विश्वकर्मा के रूप में विख्यात हैं। वह देवोसर त्वष्टा और आसुरेश्वर में परस्पर युद्ध करने लगे। महादैत्य कुलोमा ने वायु देवता के साथ युद्ध छेड़ दिया। वो पर्वताकार दैत्य कवच धारण करके अपनी सेना को साथ लिए रणभूमि में जूझ रहा था। हयग्रीव नामक दैत्य सूर्यतुल तेजस्वी अमित पराक्रमी सूर्यवीर पुष्पा के साथ लड़ने लगा। महामायावी महान असुर रणदुमर्द महादैत्य शांबर भग देवता के साथ युद्ध करने लगा। सरब और शलभ ये दोनों वीर दैत्यों में सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी थे। वे शवशिरा सहस्त्रधारी बुद्धिमान सोम के साथ जूझने लगे। बलवान बलि का पिता महाबली विरूचन विविक्सेन नामक शाद देवता के साथ भिड़ गया। महातेजस्वी कुजंभ जो हिरण्यकश्यप के पुत्र का पुत्र था, उस समय प्रभासधारी अंश के साथ युद्ध करने लगा। हे प्रभु, तेजस्वी मुख वाला वृक्तांग दैत्य अशिलोमा पर्वत खंड रूपी आयुध लेकर उस समय बलवान मरुत के साथ संग्राम करने लगा। दनायुषा का पुत्र महान असुर व्रत युद्ध स्थल में देव वैद्य अश्विनी कुमारों के साथ जूझने लगा। हाथ में चक्र लिए हुए एक चक्र नामक दुर्जय दैत्य ने दैत्यों के शत्रु शाद देव के साथ युद्ध किया। वृत्तासुर के भाई मधु के समान पिंगल नेत्र वाले पराक्रमी महान असुर बल ने मृग व्याध नामक रुद्र के साथ युद्ध किया। सैकड़ों सिर और बड़े पेट वाले वृत्ताकार दैत्य राहु ने कवच धारण करके रणभूमि में आजयक पाद नामक रुद्र के साथ संग्राम छेड़ दिया। वर्षा काल के मेघ की भांत काले रंग वाले दानव शिरोमणि केशी ने युद्ध स्थल में घनेश्वर भीष्म के साथ युद्ध ठाना।
पराक्रमी और जगत के शासक वृषभ प्रभा ने उस महासमर के पावन बलवान विशेष देव के साथ युद्ध किया। अपने वीर पुत्रों से घिरे हुए महापराक्रमी प्रह्लाद रणभूमि में दूसरे काल के समान होकर काल के ही साथ युद्ध करने लगे। अनुराध शत्रु सेना को क्षोभ में डालता हुआ उस महासमर में गदाधारी धनदाता कुबेर के साथ जूझने लगा। दैत्यों का आनंद बढ़ाने वाले विप्रचिति नामक दैत्य ने महात्मा वरुण देव के साथ युद्ध करने आरंभ कर दिया। उस रणभूमि में बलवान दैत्यराज बलि ने महाबली देवराज सुरेश्वर महात्मा इंद्र के साथ संग्राम आरंभ किया। शेष देवता और दैत्य युद्ध स्थल में जोर जोर से सिंहनाद करते हुए प्रयास खंग वाण और शक्तियों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। उस समय ऐसे बड़े बड़े उत्पात दिखाई देने लगे जिन्हें प्रलय काल में प्रकट होने योग्य बताया गया है। प्रवाह आदि वह सात प्रकार के वायु हैं जो क्षुद्ध हो उठे। पर्वत स्वयं ही बिखर बिखर कर गिरने लगे। महासागरों को शोकते हुए सात सूर्य उदित हो गए। प्रचंड वायु ने इस पृथ्वी को इस प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे इसे मथ डाला हो। आकाश में बड़े बड़े मेघों की घटा गिर आई। उसका मध्य भाग इंद्रधनुष से अंकित हो गया। समस्त प्राणी आर्तनाद करने लगे और संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। काल की प्रेरणा से देवताओं की घोर पराजय दिखाई देने लगी। जैसा प्रलय काल में होता है वैसा ही भयंकर उत्पात प्रकट होने लगा। ना तो अंतरिक्ष, ना दिशाएं, ना भूमि और ना सूर्य ही दिखाई देते थे। सब पर धूल का जाल सा बिछ गया था। धूम युक्त भयंकर वायु चलने लगी और सारी दिशाएं अंधकार से आच्छादन हो गई। ये तथा और भी बहुत से देव निर्मित बड़े बड़े उत्पात पृथ्वी और आकाश में सब ओर दिखाई देने लगे। भीषण देवताओं और दैत्यों का वो युद्ध देखने में बड़ा भयंकर था। लोक गुरु ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ उस युद्ध को देखा। छयों अंगों सहित चारों वेदों और चारों विद्याओं से घिरे हुए सनातन पग योनि ब्रह्मा जी को सिद्धि और महीर से गण सब ओर से घेर कर खड़े थे। नाना प्रकार के सहस्त्रों मणिमय कंबों से विचित्र शोभा पाने वाले तथा सहस्त्रों भूत गणों से जुते हुए तेजस्वी विमान पर आरूढ़ हो स्वयंभू ब्रह्मा जी अपने श्रेष्ठ शरीर से दीप्यमान दिखाई दे रहे थे। उनका विमान तपाए हुए सुवर्ण द्वारा निर्मित विभिन्न चित्र मूर्तियों से सुशोभित था। उसमें सहस्त्रों भेरियां और आनंदमय शब्द गूंजता रहता था। नक्षत्रों तथा सूर्य की तजोमयी मूर्तियों के कारण वो किरणों की प्रभा से परिपूर्ण था और वैदूर मणि तथा चंद्रकांत एवं सूर्यकांत मणियों से अथवा सूर्य एवं चंद्रमा की मूर्तियों से उस विमान का प्रत्येक अंग विभूषित था। उस समय विमान पर बैठे हुए वरदायक देवता ब्रह्मा जी की उन्हीं के पुत्र पुलह पुत्सल मरीचि भृंगु तथा अरिंगा ऋषि ऋग्वेद एवं साम वेद के मंत्रों द्वारा साम्यक रूप से स्तुति करते हुए उनकी सेवा में तात्पर्य थे। उन लोक गुरु महानुभाव भुवनेश्वर देवता स्वयंभू ब्रह्मा जी की सेवा में अग्नि सांग वेद यज्ञ देवता तथा अनन्यन भूत भी संलग्न थे। महर्षियों के समुदाय वैश्या नर नारायण गण अग्नि से जिनकी उत्पत्ति हुई है वह ऋषि तथा देवताओं के समस्त पुरोहित ये संपूर्ण देवताओं और असुरों के उस युद्ध को देखने के लिए उत्सुक हो वहां उपस्थित हुए थे। छह योगेश्वर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कपिल और जयगीपाश जो सूर्य के समान तेजस्वी थे और सारे अंगों में उत्तमो उत्तम आभूषणों से विभूषित भी थे अदृश्य भाव से
आकाश में खड़े हुए उस युद्ध को दृश्य देख रहे थे। भगवान नारायण नर और कतिपय देवता भी अदृश्य भाव से उस युद्ध का अवलोकन करते थे। शरत काल के नवोदित चंद्रमा के समान ब्रह्मा जी चार वेदों को धारण करने वाले अपने चारों मुखों से जो पूर्ण चंद्र मंडल के समान परम मनोहर कांति से युक्त थे, संपूर्ण दिशाओं को अंधकार रहित कर रहे थे।